What's up guys, I am AR। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आउटफिट की जो कि बहुत ही ज्यादा रॉयल शहनशाही और बादशाही लुक देता है। जी हाँ भाइयों, मैं आज बात करने वाला हूँ प्रिंस कोट के बारे में, जिसको आप बंद गला या जोधपुरी भी बोलते हो। प्रिंस कोट में किस तरह से प्रोफेशनल दिखना है, अपनी फैशन सेंस को प्रिंस कोट के साथ किस तरह से इनहेंस करना है, कौन कौन सी टिप्स का ख्याल रखना है, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो अभी जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। यहाँ पे मैं डेली पोस्टिंग करता रहता हूँ, जिसमें मैं आपको स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में, फिटनेस के बारे में गाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करूंगा। जब भी प्रिंस कोट आप अपने फंक्शन पे पहनने का सोचते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आपको कौन सा कलर चूज करना है। और मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग कलर चूजिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे कलर सजेस्ट करने वाला हूं जो कि प्रिंस कोट में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है और हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो प्रिंस कोट में आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर चूज कर सकते हैं, व्हाइट में आप ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर भी चूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप ब्लू कलर चूज कर सकते हैं और आप मेहरून कलर चूज कर सकते हैं। और गाइस, आपको ये तो पता चल गया कि आपको प्रिंस कोट में कौन कौन से कलर चूज करने हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने प्रिंस कोट का अपने आउटफिट के साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कलर कॉम्बिनेशन टिप अप्लाई करनी चाहिए। अब ये क्या चीज है, लेट्स से अगर आप लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रहे हो, जिस तरह के मैंने क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना है, इसके साथ मैंने डार्क मतलब ब्लैक कलर का प्रिंस कोट पहना है। सेम एज अगर आप डार्क कलर का कुर्ता पजामा पहनोगे, उसके साथ आप लाइट कलर का प्रिंस कोट पहनोगे। ये होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कलर कॉम्बिनेशन। ऑलराइट गाइस, आपने ये चूज कर लिया कि आपको कौन सा कलर पहनना है, कलर के साथ अपने आउटफिट का किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको प्रिंस कोट में कौन सी टाइप चूज करनी है। सिर्फ एक टाइप का प्रिंस कोट नहीं होता, मार्केट में बहुत टाइप के प्रिंस कोट हैं। आपको हमेशा अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रिंस कोट चूज करना चाहिए। तो प्रिंस कोट में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, प्रिंस कोट की पहली टाइप की बात करें विच इज जामावार एंड बनारसी प्रिंस कोट। ये प्रिंस कोट मैं आपको तब रिकमेंड करूंगा या तो आपकी खुद की शादी है या तो आपकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप में शादी है। सेकंड टाइप इज डिजाइन प्रिंस कोट। डिजाइन प्रिंस कोट भी आपको हमेशा अपनी शादी के फंक्शंस पे पहनने चाहिए। नंबर 3 इज टेक्सचर प्रिंस कोट। टेक्सचर प्रिंस कोट में या तो थोड़ा सा चेक होता है, थोड़ा सा टेक्सचर होता है या हल्का सा डिजाइन होता है। इस प्रिंस कोट का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप इसको शादी में दूर के रिलेशनशिप में पहन सकते हो और आप इसको क्लोज के रिलेशनशिप में भी पहन सकते हो, या आपका कोई और ट्रेडिशनल इवेंट या फंक्शन है वहां पे भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। नंबर 4 इज मोटिव डिजाइन प्रिंस कोट। ये एक ऐसा प्रिंस कोट होता है जिसमें आपके हार्ट के साइड पे डिजाइन बना होता है या तो आपके शोल्डर एरिया पे डिजाइन बना होता है। इस प्रिंस कोट को भी आप किसी भी फंक्शन पे यूज कर सकते हो। नंबर 5 इज एसिमेट्रिकल प्रिंस कोट। नॉर्मल प्रिंस कोट की बात करें तो आपके बटन की पोजीशन दरमियान में होती है, बट एसिमेट्रिकल में आपके बटन की पोजीशन साइड पे होती है। ये प्रिंस कोट आपको हमेशा अपने क्लोज के रिलेशनशिप की शादी पे पहनना चाहिए। नंबर 6 इज प्लेन प्रिंस कोट। प्लेन प्रिंस कोट का टेक्सचर थोड़ा सा शाइनी होता है और आपको इसको हमेशा अपने फॉर्मल इवेंट्स या फंक्शन पे पहनना चाहिए। अब आप सबके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सभी प्रिंस कोट की टाइप्स को आपको कौन से आउटफिट के साथ पहनना है। आपको इनको कुर्ता के साथ पहनना है, आपको शलवार कमीज के साथ पहनना है या आपको इसको पैंट के साथ पहनना है। तो वही बात करें जामावार प्रिंस कोट की या डिजाइन प्रिंस कोट की, तो इन दोनों प्रिंस कोट को आपको हमेशा कुर्ता पजामा के साथ पहनना चाहिए। बाकी अगर बाकी प्रिंस कोट की बात करें जिसमें मोटिव डिजाइन है, टेक्सचर है, प्लेन प्रिंस कोट है, इनको आप कुर्ता पजामा, शलवार कमीज या आप इनको पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने सारी चीजें मेंटेन कर ली, हमें पता चल गया कि हमें प्रिंस कोट में कौन सा कलर चूज करना है, कौन सी टाइप चूज करनी है प्रिंस कोट की और उसको अपने आउटफिट के साथ किस तरह से मैच करना है। बट अभी भी आपकी लुक कंप्लीट नहीं हुई, अब आपने अपनी लुक को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। किस तरह लेके जाना है, इन टिप्स को फॉलो करके लेके जाना है। सबसे पहली चीज, आपने पॉकेट स्क्वायर ऐड जरूर करना है, बिकॉज जब भी आप प्रिंस कोट के साथ पॉकेट स्क्वायर ऐड करते हो
आपके लुक और भी ज्यादा इंप्रूव होती है। नंबर टू इज रिंग। ट्रेडिशनल आउटफिट है तो आई 100% रिकमेंड आप इसके साथ एक या दो रिंग का जरूर यूज करें। नंबर थ्री इज लेदर वॉलेट। जी हाँ भाइयों, अगर आप वॉलेट इस तरह से कैरी करके किसी भी फंक्शन पे जाओगे, आई कैन गारंटी यू आपकी लुक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी और लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे। नंबर फोर इज वॉच। वॉच आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के साथ साथ स्टाइलिश भी बनाएगी, इसलिए माय रिकमेंडेशन आपको वॉच जरूर यूज करनी चाहिए। नंबर फाइव इज ग्लासेस। अगर डे का फंक्शन है आप ग्लासेस लगा के जरूर जाना, बिकॉज जब भी आप ग्लासेस लगा के किसी भी फंक्शन पे जाओगे, आई कैन गारंटी यू यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव देन अदर डूड्स। ऑलराइट गाइस, क्या ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी लुक कंप्लीट हो गई है? नहीं भाई, फंक्शन पे नंगे पैर ही थोड़ी जाओगे, कोई ना कोई शूज जरूर पहनोगे और शूज लोग बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, इसीलिए आपको अपने शूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। भाई शूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप की बात करते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। आप अपने प्रिंस कोट का कलर अपने जूतों के साथ मैच कर सकते हो। आप मेरा प्रिंस कोट देख सकते हो, मैंने मेहरून कलर का प्रिंस कोट पहना है, उसके साथ मैंने मेहरून कलर का ही खुसा पहना है। बट लेट्स से अगर आपके दूर की रिलेशनशिप में शादी है या आप शादी के फंक्शन पे जा ही नहीं रहे, आप किसी और फंक्शन पे जा रहे हो, तब आपको प्रिंस कोट के साथ कौन से शूज पहनने चाहिए? तब आप प्रिंस कोट के साथ लोफर्स भी पहन सकते हो और आप इसके साथ ऑक्सफोर्ड शूज भी पहन सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। आई विश यू लुक गुड, टेक केयर।